आज हम बनाने जा रहे हैं पाव भाजी। पाव भाजी बनाने के लिए सबसे पहले इसमें हम कुकर में सब्जियों को, वैसे तो मैंने सब्जियों को सारा ग्रेट कर रखा है, लेकिन फिर भी हम कुकर में एक सीटी इसको लगा देंगे जिससे कि सब्जियां सारी मिक्स हो जाए। तो हमारा सबसे पहला जो स्टेप होगा, कुकर को गर्म करते हुए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। वैसे तो ज्यादा से ज्यादा अगर बटर डाला जाए तो पाव भाजी बिल्कुल बॉम्बे स्टाइल पाव भाजी बनता है, लेकिन हम लोग आजकल थोड़ा सा अवॉइड करना चाहते हैं, ज्यादा बटर नहीं खाना चाहते हैं, तो हम ज्यादा बटर नहीं डालेंगे। हाफ मैंने रिफाइंड डाला और हाफ मैं बटर डाल रही हूँ। बटर डाल दिया, इसको थोड़ी देर गर्म होने देते हैं। साथ में मैं आपको बता दूं कि आप अगर चाहोगे तो साबुत सब्जियां भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ग्रेट कर लिया जिससे कि ये जल्दी थोड़ा बन जाए। आज मौसम बहुत अच्छा है तो मैंने सोचा कि आज डिनर में पाव भाजी बनाते हैं, इसीलिए मैं ये डिनर की तैयारी कर रही हूँ। हमारा ये बटर जो है गर्म हो गया है, बटर और ऑयल जो डाला है वो गर्म हो गया है। सबसे पहले हम इसमें गोभी को डाल देते हैं और इसको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। इसमें हम आलू भी डालेंगे, आलू को भी मैंने कद्दूकस करके रखा है। वैसे तो चाहो तो आलू स्किप किया जा सकता है, लेकिन आलू को भी अगर हम मिक्स करते हैं तो आलू थोड़ा सा जो ग्रेवी है वो स्लरी बन जाता है। आलू में एक जो अपना स्टार्च होता है वो ग्रेवी में आ जाता है, जिससे वो खाने का टेस्ट ज्यादा अच्छा होता है। फिर इसके ऊपर हम डालते हैं गाजर। सारी सब्जियां हम एक साथ ही डाल देंगे। इसके बाद हम डालते हैं आलू। शिमला मिर्च, सारी सब्जियां एक साथ तेज आंच पर थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। इसमें डालते हैं हम मटर। मटर भी डाल दिया, इसको अच्छी तरह चला देते हैं। जैसे कि हमने इसमें ग्रेटेड वेजिटेबल्स डाले हैं, अगर साबुत वेजिटेबल डाला होता तो थोड़ा पानी ज्यादा देने की जरूरत पड़ती, लेकिन हमने ग्रेटेड वेजिटेबल डाला है तो ज़्यादा हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये इसमें जो मार्केट वाला पाव भाजी मसाला है वो डाल सकते हैं, और नहीं तो पाव भाजी मसाला आप बना के भी डाल सकते हैं। उसमें बेसिक सारे मसाले होते हैं तो और कुछ नहीं होता, साथ में थोड़ा अमचूर होता है, वो बना के भी डाला जा सकता है, लेकिन मैं पैकेट वाला डाल रही हूँ। ये मैंने थोड़ा पाव भाजी मसाला डाल दिया, नमक डाल दिया थोड़ा सा, और इसको पानी डाल के हम इसको जस्ट दो सीटी लगाएंगे इसमें। ये हमारा स्टीम हो चुका है, इसको बंद करते हैं। साथ में ही हम तैयारी करेंगे इसका मसाला। पहले पैन को गर्म करते हुए हम इसमें डालेंगे बहुत थोड़ा सा ऑयल और बहुत ज्यादा बटर, क्योंकि तेल सिर्फ इसलिए डाला है कि बटर जल ना जाए, इसलिए मैंने इसमें मेन मजा जो है बटर नहीं आता है। जितना ज्यादा हम इसमें बटर डालेंगे उतना ज्यादा ये टेस्ट अच्छा आता है। अब ये बटर मेल्ट हो गया पूरा। सबसे पहले हम इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालेंगे। हल्का सा इसको भून लेते हैं। जो ज्यादा अदरक लहसुन मिर्च खाने वाले हैं वो जब बॉईल करेंगे तब भी उसमें डाल सकते हैं आप अदरक लहसुन मिर्च, और नहीं तो जब तड़का लगाएंगे उसमें तो डालना ही। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन और मिर्च डाल दिया, इसको पिंक होने तक हम हल्का फ्राई कर लेते हैं।
अब ये हमारा फ्राई हो गया है, आप देख सकते हैं ये बटर डाला है तो इसमें झाग थोड़ा बना रहेगा, अदरवाइज ये फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डालते हैं बारीक कटा हुआ प्याज। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है बटर के ऊपर, बारीक कटा हुआ लहसुन अदरक हरी मिर्च इसके ऊपर प्याज भूनने की बहुत अच्छी फ्लेवर आ रही है। इसको हम ब्राउन नहीं करेंगे, पिंक करेंगे। तेज आंच पर हम इसको बनाएंगे। साथ ही साथ देखते हैं कि जो हमने कुकर में बॉईल किया है वो कितना बॉईल हुआ है। ये हमारा ऑलमोस्ट बॉईल हो चुका है। इसको जब तक ये पानी को हमें पूरा सुखाना है इसलिए हम इसको आग पे रख देते हैं, साथ साथ ये पानी सूखता जाएगा और हम मसाला बनाते जाएंगे। इसको मैंने आंच पे रख दिया है, ये पानी सूख जाए हमारा। डालने को आप इसमें अदरक लहसुन बारीक कटा हुआ प्याज ये सब इसमें डाल सकते हैं अगर ज्यादा अदरक लहसुन खाने वाले हैं। अब ये पिंक हो गया हमारा प्याज, इसमें हम एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको भी डालते हुए थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं मसाले को। अदरक लहसुन डालने के बाद एक दो मिनट तक उसको, एक मिनट फ्राई करने से ही उसकी स्मेल चली जाती है। अदरक लहसुन फ्राई हो चुका है, साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। वैसे चुकंदर डालने से कलर बहुत अच्छा आता है, मैंने नहीं डाला बट डालने से इसमें फिर एक्चुअल जो कलर होता है पाव भाजी का, बॉम्बे स्टाइल पाव भाजी का वैसा कलर आ जाता है। और साथ ही हम इसमें डालेंगे पाव भाजी मसाला, फिर बारीक कटा हुआ टमाटर, टमाटर की मात्रा बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और इसको अब हम थोड़ा सा नमक डाल के इसको सॉफ्ट होने के लिए छोड़ते हैं जब तक कि हमारा टमाटर पूरा सॉफ्ट ना हो जाए। साथ साथ हमें इसको भी चलाते रहना है, पानी जो हमने डाला था उसको सुखाना है। और इसको थोड़ा सा नमक डाल के आंच को थोड़ी सिम करते हुए थोड़ा सा नमक डाल दिया, इसके बिना खाना कभी बनता ही नहीं है और ना ही टेस्ट आता है ना ही वो गलता है। नमक बहुत जरूरी है बॉडी के लिए, फूड के लिए। इसको रखते हुए हम इसको ढक देंगे। टमाटर सॉफ्ट नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा इसमें पानी डाल सकते हैं, पानी डाल के इसको सॉफ्ट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5-7 मिनट आपको टमाटर को पकाना पड़ेगा जिससे कि टमाटर सॉफ्ट हो चुका है। काफी हद तक ये सॉफ्ट हो चुका है। इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे टोमेटो प्यूरी, एक चम्मच दो चम्मच टोमेटो प्यूरी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो बहुत कम लोग बताते हैं अपनी रेसिपी में वो है चाट मसाला या अमचूर या नींबू, कुछ भी एक चीज आप इसमें डालेंगे, इससे बहुत अच्छी टेस्ट आती है। जैसे मैं रेसिपी बता रही हूँ आपको इसी प्रोसेस में आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। कुजिन क्लब का ये चैलेंज है कि मैं जो रेसिपी जैसे दिखाती हूँ आप अगर पूरा स्टेप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट आएगा खाने में। अब ये सॉफ्ट हो चुका है, अब हम इसमें मिक्स करते हैं। जो हमारी सब्जियाँ पकी हुई है वो हम इसमें मिक्स कर देते हैं और इसको अच्छी तरह हम मिक्स करते हैं।
आप इसको जितना हम पकाएंगे उतना इसका अच्छा टेस्ट आएगा। वैसे मार्केट में क्या होता है, एक बड़ा सा तवा रखते हैं और उसपे सामने वो बना के रख देते हैं और जब कोई सर्व करना होता है वो सामने से ऐसे ऐसे खींचते हैं, फिर उसमें बटर डालते हैं, प्याज डालते हैं और उसको फ्राई करके सर्व कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको धीमी आंच पर कम से कम 5-7 मिनट इसको हम पकने देते हैं। ऊपर से डालते हैं थोड़ा सा हरा प्याज, एक दो बार चलाते रहना है हमें, हम पकने देते हैं। अभी भी थोड़ा सा इसमें बाकी है कसर। अब जब ये बिल्कुल वोल्केनो की तरह ये अंदर से जो है ना वो फूट के बाहर आएगा, तब तक इसको धीमी आंच पर हमें पकाना है। अभी बबल्स आ रहे हैं लेकिन उसमें बबल्स नहीं आएंगे, ये नीचे से अंदर को जैसे वोल्केनो फूटता है उसमें से हवा निकलती है उस तरह का होगा, तब जाके हमारा पानी है ऊपर तैयार की सतह पे, वो पानी अभी आ गया है। अब ये पानी धीरे धीरे सूखेगा तब वो परिस्थिति आएगी कि वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, तब वो चीज होगा, बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं हमारा पाव भाजी बिल्कुल तैयार है। इसके ऊपर से हम थोड़ा सा हरा प्याज और डाल देते हैं, कितना अच्छा लग रहा है। जब हम इसको खाएंगे तब ऊपर से बटर डाल के खाएंगे। हम इसके साथ ये बनाएंगे, ये है हमारा वीट पाव। वीट पाव कहते हैं कि नॉर्मल पाव मैदे का होता है, नॉट गुड फॉर हेल्थ, इसीलिए मैं वीट पाव लेकर आई हूँ। अब इसको हम सेकेंगे हमारा जो भाजी बना है उसके साथ खाने के लिए। चलिए इसको सेकते हैं, कैसे सेकना है हम देखते हैं। सबसे पहले हमने ये इसको तोड़ा और इसको हम बीच में से हमने हाफ कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे बटर, बटर डालते हैं और साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, थोड़ा सा हम इसमें डालते हैं पाव भाजी मसाला। थोड़ा सा हरा प्याज और फिर हम इसमें इसको सेकते हैं। थोड़ी देर के लिए हम इसको छोड़ देते हैं जिससे ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाए। इसी तरह से हम दूसरा भी खोलते हैं और इसको भी बीच में से काट लेते हैं। इसको भी पहले ये अच्छी तरह सेक जाए। ऊपर से हम थोड़ा सा घी और डाल देते हैं। थोड़ा सा और क्रिस्पी होना बाकी है, थोड़ा सा क्रिस्पी होता है तो हम इसको चेंज करेंगे साइड। ये देखिए इस पाव का मजा ही कुछ और है। इस तरफ से भी थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेते हैं। साथ ही हम इसको ऐसे बंद कर देते हैं। दोनों तरफ से हमारा पाव सिक चुका है। अब है सर्व करने की बारी। सर्व करने के लिए ये है पाव हमारा, इसके साथ ही हम रखते हैं भाजी। भाजी के साथ सैलेड, नींबू और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है बटर।
बटर के बिना पाव भाजी हमारी पूरी होती नहीं है। तो ये है हमारा पाव भाजी। आशा करूंगी कि आपको चैनल पसंद आएगा, आपको रेसिपी पसंद आएगी। जरूर करिएगा, जरूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा बना है खाने में।